तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो की मैं बात करूँ तो इस वीडियो के अंदर ध्रुवा सर्जा की एक ऐसी मूवी जो मार्टिन, इस मूवी में आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। क्योंकि हम बात करें इस मूवी में तो एक्शन सीक्वेंस, फाइट सीन्स और उसके साथ कई ऐसे लेटेस्ट असलहे इस मूवी में देखने को मिलेंगे। साथ ही ये भी देखने को मिलेंगे कि तमाम ऐसी बॉडी टसन्स और एक से एक फाइट सीन्स जो आपको चौंका कर रख देने वाली है और आंख आपकी खुली की खुली रह जाने वाली है। क्योंकि ये इस मूवी का टीजर आज से एक साल पहले रिलीज हुआ था, जो कि ऑडियंस के बीच में बिल्कुल जैसे ही रिलीज हुआ एक बूमशक का फैल गया और तब से लेकर आज तक ऑडियंस इंतजार पे इंतजार इंतजार पे इंतजार करती आ रही है। और अब बारी है वो समय खत्म होने की, क्योंकि यह मूवी 11 अक्टूबर 2024 के दिन रिलीज होने वाली है। तो आज हम लोग करने वाले हैं इसी मूवी के बारे में बात, तो बने रहे वीडियो के साथ। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज राम हियर, वेलकम टू फिल्मी राम। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस। आज के इस वीडियो में ध्रुवा सर्जा की इस मूवी के बारे में बात करेंगे। ध्रुवा सर्जा एक ऐसे एक्टर्स हैं जो बहुत ही कम फिल्में बनाते हैं, लेकिन जो भी फिल्म बनाते हैं काफ़ी लाजवाब, शानदार और धांसू बनाते हैं। क्योंकि ऑडियंस के दिलों में जगह बनाने की सिर्फ एक ही मकसद है कि ये अच्छी से अच्छी क्वालिटी और एक अच्छा लव स्टोरी और एक अच्छी से स्टोरी दी जाए, ताकि ऑडियंस के पैसे नुकसान ना हो। तो इसी सोच के साथ एक नई मूवी वो लेकर आ चुके हैं, जो कि इस मूवी का टीजर आज से एक साल पहले रिलीज हुआ था, जो कि ऑडियंस देखने के बाद काफ़ी आनंदमय और बहुत दिनों से वो इंतज़ार में थी कि ये मूवी रिलीज कब होने वाली है। तो अब हम बता दें कि इस मूवी की रिलीज डेट तय हो चुकी है और ये 11 अक्टूबर 2024 के दिन बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग खबर्स है। और हम जानते इतना है कि इस मूवी में ऐसे फाइट सीक्वेंस देखने को मिलेंगे जो बिल्कुल ऑडियंस देखने के बाद खुशी से पागल हो जाएगी। और इस मूवी में कहानी की बात करें तो कुछ ऐसी मूवी से इस मूवी की कहानी है, जो कि एक बंदा होता है जो पकड़ा जाता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच की स्टोरी है। ये स्टोरी तो कोई नई नहीं है, क्योंकि ऐसे कई ऐसी मूवियां हैं जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध के बारे में एक्सप्लेन कर चुकी हैं। तो एक बार फिर से मूवी की सीक्वेंस तो पुरानी है, बट हम बात करें एक नए नज़रिए और नए व्यपेक्स और उनके साथ कई ऐसे नई नई चीज़ें इस मूवी में देखने को मिलेगी जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और इनके साथ कई ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे इस मूवी में अपना योगदान दिया है। मैं बात करूं इस मूवी में ध्रुवा सर्जा की, जिन्होंने काफ़ी अच्छे इस मूवी में अपना योगदान दिया है। वहीं हम बात करें विभावी और उनके साथ अन्वेषी जैन, जिन्होंने काफ़ी अच्छे इस मूवी में अपना योगदान दिया है। नवाब शाह और रोहित पाटक और निकितेन, ऐसे कई ऐसे छोटे बड़े कलाकार हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे इस मूवी में अपना अपना परफॉर्मेंस करते हुए नज़र आने वाले हैं। रही बात इस मूवी की, तो ये मूवी एक्शन ड्रामा थ्रिल है और 2D में कन्नड़, तमिल, मलयालम और तेलुगु हिंदी भाषा में रिलीज होने वाली है। और रिलीज डेट की मैं बात करूँ तो 11 अक्टूबर 2024 के दिन, जो कि काफ़ी दिनों से लोग इंतज़ार में थे और वो इंतज़ार की घड़ी समाप्त हो चुकी है। तो अगले मंथ 11 अक्टूबर 2024 के दिन रिलीज होने वाले हैं। तो कौन कौन देखने जा रहा है जल्दी जल्दी कमेंट करें और बताएं। मैं तो भाई जा रहा हूं, क्योंकि ये मूवी काफ़ी अच्छी और धांसू मूवी होने वाली है 2024 की। तो ये रहे मार्टिन मूवी से रिलेटेड कुछ अपडेट जो कि आपको मैं बताया। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे और पसंद आई होगी ये वीडियो। तो अगर आपको ऐसी मूवी से रिलेटेड कंटेंट देखना पसंद है तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी मूवीज़ से रिलेटेड कंटेंट मैं लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।